नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर साहिल पटेल, अ कंसल्टेंट होम्योपैथ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंग्विन टेम्परामेंट के बारे में। टेम्परामेंट क्या होता है कि पर्सन के, खुद के, बॉडी के और सोल, ये तीनों का मिक्सचर जो पर्सनालिटी डेवलप करता है। पर्सन जो है वो उसकी खुद की एक बेसिक कैरेक्टर है जो हमेशा हम देखते हैं उसके अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट रहते हैं, वो सारी चीज़ें इसके बेस पर डेवलप होती है। टेम्परामेंट जो होता है वो चार चीज़ों पे डिवाइड कर दिया गया था। जैसे कि हिपोक्रेट सर ने बोला था कि ब्लड रिलेटेड होते हैं, बाइल रिलेटेड होते हैं, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, उस हिसाब से। तो आज हमारा फर्स्ट टेम्परामेंट है जो है सेंग्विन टेम्परामेंट। सेंग्विन टेम्परामेंट क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं, ये मैंने जो फ़ोटोज़ रखे हैं वैसे होते हैं, एकदम खुश मिजाजी लोग होते हैं, हाइपर एक्टिव रहते हैं, बहुत एनर्जेटिक, इम्पल्सिव, ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत देखी जाती है इन बंदों के अंदर। सेंगुइन जो शब्द है वो है लैटिन शब्द, सेंगूस बोलते हैं। सेंगूस का मतलब होता है ब्लड, एकदम रेडिश कलर का लिक्विड जो अपने बॉडी को कनेक्टिव टिश्यू के काम में आता है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी जो है वो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को पास कर सकती है दूसरे ऑर्गन्स के साथ, और पूरे बॉडी में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का भी मेटाबॉलिज्म चलते रहता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व, कैरेक्टरिस्टिक कौन से होते हैं। तो ये जो हम फोटो देख रहे हैं उसी तरह से बहुत एक्सट्रोवर्टेड पर्सन रहता है, कहीं पे भी इजीली बात कर लेगा, टॉकेटिव बहुत रहता है, एकदम लाइवली जॉयफुल पर्सन रहेगा, खुश मिजाजी बंदा रहता है, कहीं भी घुल मिल जाता है, ये केयर फ्री रहता है, बहुत चिंता नहीं करता है, हमेशा कोई भी चैलेंज होगी या सिचुएशन होगी वहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक रहेगा, पॉजिटिवनेस रखेगा एक कि हो जाएगा, ये तो कर लेंगे, कॉन्फिडेंट बहुत रहता है, रिस्पॉन्सिव बहुत रहता है, कभी भी इससे बात करोगे ये अपना रिस्पॉन्स तुरंत से दे देगा और हमेशा एकदम जॉयफुल और ऑप्टिमिस्टिक वे में ही रहेगा इसका रिस्पॉन्स। ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये लोग जो होते हैं वो सोशल बटरफ्लाइज होते हैं। ऐसे ही ये लोग हमेशा इमेजिनेटिव पर्सन रहते हैं जो हमेशा लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं ईजिली, किसी के भी साथ भी इनका बुरा नहीं रहता है, हमेशा जुड़ जाते हैं किसी से भी एकदम ईजिली, और लोगों को भी आप पूछोगे तो बोलोगे कि बहुत अच्छा बंदा है, दिल का एकदम ओपन बंदा है और बहुत खुश मिजाजी रहता है, ये आता है तो हमारी एनर्जी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक एवं डे ड्रीमर्स। ये बंदे ऐसे रहते हैं कि इनके ये जो ब्लड का कंपोनेंट है जो बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, इसकी वजह से ये आर्टिस्टिक भी बहुत रहते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं, और साथ ही साथ डे ड्रीमर्स रहते हैं, पूरे दिन इनका कुछ ना कुछ ड्रीमिंग चलती रहती है, मतलब सोच में मशगूल भी रहता है, कई बार खो भी जाते हैं, ये सारी चीज़ें इनके अंदर देखी जाती है। नेक्स्ट है फुल ऑफ पल्स, गुड मेटाबॉलिज्म। अब फुल ऑफ पल्स का मतलब क्या है कि ये हम बॉडी के फिजियोलॉजिकल एक्शन से बात कर रहे हैं। अगर ब्लड में बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्साइटमेंट हो गई तो बॉडी में क्या होगा, टेकिकार्डिया वाली कंडीशन होती है, पल्स रेट्स बहुत बढ़ जाती है। ये लोग भी वैसे ही होते हैं, मेंटली फिजिकली दोनों साइड फुल ऑफ पल्स रहते हैं, कुछ अच्छा दिखा, कुछ चैलेंजिंग दिखा तो तुरंत से कूद पड़ते हैं, वो ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो कर ही लेंगे उस हिसाब से। इसी वजह से इनका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो भी बहुत बढ़िया होता है। तो ये जो फोटो आप देख रहे हो ये वही दिखा रही है, एकदम इमेजिनेटिव वर्ल्ड है, ये लोग डे ड्रीमर्स है, और साथ ही साथ क्या है, फुल ऑफ पर्ल्स है, बहुत ही खुश दिख रहे हैं, एकदम एक्सट्रोवर्टेड, खुश मिजाजी दिख रहे हैं ये लोग, एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, सोशल बटरफ्लाइज, डे ड्रीमिंग, इमेजिनेटिव, क्रिएटिव पावर, फुल ऑफ पर्ल्स, ये सारी चीज़ें। आगे आता है डिजीज़ वाली कंडीशंस। अगर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे इनके तो वही सेम टू सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इनके फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ द बॉडी पर भी दिखते हैं, जिसकी वजह से डिजीज़ कंडीशंस क्रिएट होती है। तो फर्स्ट है ब्लड रिलेटेड डिजीज़। ब्लड रिलेटेड डिजीज़ कब कब होगी, सबसे पहले तो अगर कुछ इंजरी हुई है तो क्या होगा, वहाँ से एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ ब्लड होगा, वहाँ पर जो भी होगा एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप होगी, तो वहाँ पर ये दिखती है। सेंग्विन पर्सन है तो लगेगा, तो तुरंत ब्लड एक्स्ट्रावेजेशन देखा जाएगा। नेक्स्ट है टेकिकार्डिया फुल ऑफ पल्स, फिजियोलॉजिकल, और साथ ही साथ इनके मेंटल एस्पेक्ट पर भी हमने ये देखा। नेक्स्ट इज डायरिया, वाटर लॉस भी होगा इनको, क्यों, क्योंकि एकदम एक्सपल्सिव एक्स्ट्रोवर्ट पर्सन है, तो यही जो मेंटली है वो फिजिकली भी इनमें देखा जाता है। नेक्स्ट इज वास्कुलर एबनॉर्मैलिटी, क्यों, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म टैकिकार्डिया वाली अगर कंडीशन रही तो क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पर हमेशा प्रेशर की वजह से जो
वॉल होती है वो हमेशा के हमेशा ब्रेक होती रहेगी, और बहुत ज़्यादा बार ब्रेक होते ही होते 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 क्या होगा, एक एज आएगी जब वो फिर से रिकंस्ट्रक्शन वाला फेज जो होगा वो बराबर नहीं होगा, जिसकी वजह से वेसल्स जो होती है वहाँ की एबनॉर्मलिटी डेवलप होती है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये वाली कंडीशंस। नेक्स्ट है लैसीट्यूड। अभी ये लोग बहुत एनर्जेटिक बंदे हैं, लेकिन क्या होगा, थोड़ा भी बीमार हुए, कुछ भी एकदम फीवर वाली कंडीशन ऐसा कुछ आया, तो तुरंत इनकी जो वाइटल एनर्जी है वो इतनी ड्रेन हो जाती है कि जो लैसीट्यूड वाली कंडीशन आ जाती है, एकदम से काम नहीं हो रहा है, खड़े भी नहीं हो सकते, काम करना नहीं है, ये सारी कंडीशंस इसमें आती है। नेक्स्ट है क्रोनिक लेट कमर्स, फॉरगेटफुल। ये कंडीशन इनमें इसलिए आती है कि ये लोग खुद के लाइफ में इतने जॉयस और एक्साइटमेंट वाले रहते हैं कि ये खुद के स्कूल रिलेटेड वर्क्स, कॉलेज रिलेटेड वर्क्स और जॉब रिलेटेड वर्क्स, ये तीनों जगह पे हमेशा लेट कमर्स रहते हैं। और ये आएगी तो ऐसा नहीं बोलेगी कि मैं सो गया था इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन इनकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। आप ऐसा ही पाओगे कि ये अभी आने से पहले भी बहुत बड़ा कुछ काम करके आया हो, कुछ चैलेंजिंग वर्क करके आया हो, फॉरगेटफुल रहते। नेक्स्ट इज एनवी एंड जेलस। ये एक नेगेटिव कैरेक्टर है इन बंदों के अंदर, क्यों, क्योंकि ये जो बंदा है वो एकदम जॉयस, तो हमने बोला एक्सट्रोवर्ट है, लोगों से घुल मिल जाता है, लेकिन क्या होता है जैसे जैसे लोगों से घुलता मिलता रहता है वैसे वैसे इसको ऐसा लगता है कि मैं जो है मेरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, और दूसरों के लिए इसको जेलसी वाली फीलिंग आती है जो कि है इसके पास मेरे से भी ज़्यादा है, मैं आज ये चैलेंजिंग कर रहा हूँ तो ये कोई बंदा है वो बहुत ज़्यादा चैलेंज कर रहा है। और आज की लाइफ स्टाइल अगर हम देखेंगे सोशल मीडिया, तो हम लोग यही ऑब्जर्व करते हैं कि दूसरों की लाइफ स्टाइल देखने के चक्कर में खुद के अंदर एक एनवीनेस, जेलसनेस ये हम डालते रहते हैं, तो ये कैरेक्टर है इनका। और लास्ट है इम्पल्सिव। इम्पल्सिव मेंटली फिजिकली दोनों लेवल पर देखा जाता है, ये कहीं पर भी कूद पड़ेंगे, कहीं पर भी टूट पड़ेंगे, खाने पीने में भी एकदम एक्सट्रोवर्टेड है तो खाने पीने में भी कुछ भी खा पी लेंगे, फिर बीमार हो गए तो उसमें डायरिया वाली कंडीशन भी बहुत सीवियर हो जाएगी, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट है होम्योपैथिक मेडिसिंस। होम्योपैथिक मेडिसिंस की अगर हम बात करें तो ये तो जारी है, बाकी बहुत सारी रेमेडीज़ आती है। अगर एकोनाइटम नेपेलस की बात करें तो ये एकदम शॉर्ट स्टेज इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। ये पर्सन कैसा होगा, एकदम खुश मिजाजी है, बारिश हो रही है तो चलो भीगने चले जाते हैं, एकदम से हवा चल रही है एकदम ठंडी ठंडी, चलो चलते हैं साइकिलिंग कर लेंगे, आज ट्रैकिंग कर लेंगे, बाइक लेके घूम के आएंगे बहुत लंबा रूट, तो उसकी वजह से क्या होगा, एलिमेंट्स फ्रॉम कोल्ड विंड एक्सपोजर, तो वहाँ पर अपनी एकोनाइट रेमेडी आ सकती है, क्योंकि बहुत ही एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप होगी इन बंदों के अंदर। नेक्स्ट इसके साथ वाली रेमेडी है बेलाडोना। इनके अंदर तो हम देखते हैं कि एकदम रेडिश फेस हो जाता है, क्यों, क्योंकि कंजेशन ही इतना सारा है उसकी वजह से। नेक्स्ट इज कैक्टस ग्रैंडी फ्लोरस। ये टैकिकार्डिया वाली रेमेडी है, हार्ट पे बहुत ही अच्छा इसका सिम्टम है, और हार्ट के सिम्टम्स जो होते हैं इसके वो हमने क्लास्पिंग ऑफ आयरन फिस्ट वो वाला सिम्टम देखा था, ये है कैक्टस ग्रैंडी फ्लोरस। मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्टिव सेंग्विन पर्सन अगर हो गए तो एक एज आएगी उसके बाद अगर कार्डियक इश्यू स्टार्ट हो रहे हैं तो उसके बेस के टेम्परामेंट पर हम लोग कैक्टस सोच सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी है नक्सवामिका। जैसे मैंने आज की लाइफ स्टाइल बताया, सोशल मीडिया लाइफ स्टाइल, लोगों को सब कुछ एक्सपीरियंस करना है, सब कुछ पा लेना है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एकदम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई है, नौकरी है या फिर पढ़ाई है वो सब कुछ सिटिंग पे हो रही है, और रात की जो लाइफ स्टाइल है वहाँ पर लोग ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जो है सेडेटिव्स का यूज़ हो रहा है, या तो फिर जितने भी टी है, कॉफ़ी है, ये सब का भी बहुत अब्यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से नक्सवामिका वाली कंडीशन आती है। फोर्थ रेमेडी है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एलिमेंट की अगर हम बात करें केमिकली, तो ये बहुत ही एक्टिव रहता है, हमेशा आसपास घूमते रहता है, कुछ ना कुछ नया चाहिए इसको, तो ये बंदा भी वैसा रहता है। फॉस्फोरस बंदा मोस्ट लाइकली पतला रहता है, किसी से दुश्मनी नहीं है, सबके साथ इजीली घुल मिल जाता है, उसको हर एक जगह की पता रहती है, इतना ब्रेनी भी बहुत रहता है, ये आसपास वाली चीज़ें एकदम क्रिटिकल थिंक करके इसको पता रहती है, फ्रेंड्स भी बहुत होता है, और ये सारी कंडीशंस। तो ये थी होम्योपैथिक रेमेडीज़। तो ये था अपना टॉपिक आज का, सेंगुइन टेम्परामेंट, ये ब्लड के रिलेटेड डिजीजेस डेवलप करता है और उसकी वजह से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स साथ ही साथ डिजीज कंडीशंस ये सारी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, और ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करके पेशेंट को होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं टेम्परामेंट बेसिस के ऊपर। तो ये था आज का हमारा सेंगुइन टेम्परामेंट। तो ये जो फोटो आप देख रहे हो ये भी सेम टू सेम वही डिनोट कर रहा है, एकदम बाहर से फूट के आ रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब,
तो ज़रूर से कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी हमारे साथ जुड़िए रहिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो भी जो होगी वो एक टेम्परामेंट पर ही होगी। तो आज था हमारा सैंग्विन टेम्परामेंट। थैंक यू।